क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोल रहा है अख्तर किरण एंड राहुल आर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेसवे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन। ओके, तो बच्चों देखिए, राहुल हैं, तीन बच्चे हैं या बच्चे हैं या जो भी हैं, अख्तर हैं, राहुल हैं और किरण हैं, ये किसी हाईवे पे जा रहे हैं अपनी कार से ऐसे। ठीक, अब कार की जो शीशा होता है बच्चों, कार का जो शीशा होता है आगे, उसको इन्होंने विंड स्क्रीन बोला हुआ है। ठीक है ना, तो सोचिए आप ऐसा कार चला रहे हो, कभी शायद आपने भी देखा होगा सामने से ऐसे एक इंसेक्ट आ रहा है इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से इंसेक्ट आ रहा है, जैसे ही वो कार के शीशे पर टकराता है वो उस पर चिपक जाता है। ठीक, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, वो डेड हो जाता है। ठीक है, डेड वो क्यों डेड हो जाता है ये भी हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आइए इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्या कहना क्या चाहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बना ले, देखिए किस तरीके से डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये कार है, ठीक है, और ये कार का विंडशील्ड है यहाँ कहीं, यहाँ से इंसेक्ट इस तरीके से आ रहा है, ये इंसेक्ट है ये इस तरीके से आ रहा है, और ये कार है ये इस तरीके से आ रही है। ठीक है ना, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, जब इंसेक्ट आके ऐसे विंड स्क्रीन से टकराया और स्टक हो गया, उसमें चिपक गया, उसकी डेथ हो गई इंसेक्ट की, तो अख्तर और किरण है वो पॉन्डरिंग यानी कि वो विचार करने लगे इस सिचुएशन में कि ऐसा क्यों हुआ। अब नाइन्थ क्लास का चैप्टर पढ़ के आए होंगे वाला, फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन, तो विचार कर रहे हैं उसके ऊपर। क्या विचार कर रहे हैं पढ़िए जरा, कह रहा किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। ओके, ठीक है, तो किरण ने क्या बोला, किरण ने बोला कि भाई जो इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट में ग्रेटर चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है टकराने के बाद, जैसे टकरा गया आफ्टर द कोलिजन, दोनों की ऐसे टक्कर हुई, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, और किरण ने बोला कि भाई देखो इंसेक्ट को ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम, इंसेक्ट ने जो सफ़र किया है वो ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम सफ़र किया है कंपेरिजन टू वॉट मोटर कार। तो मान लो किरण से पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, तो किरण ने उसका रीज़न क्या दिया, बिकॉज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर देन द दैट ऑफ द मोटर कार। अब आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों, देखिए मान लीजिए कि, समझिए जरा, मान लीजिए इंसेक्ट है, इसका मास कितना है m1 है, ठीक है, और ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था इंसेक्ट, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड भी बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से इंसेक्ट आ रहा था, ठीक है। अब ये कार आ रही थी बेटा मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, तो कार का मास है m2, और टकराने से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, कितनी है u2 कितनी है इसकी कार की इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले, मान लो 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। अब आप खुद दिमाग लगाइए, जब ये इस पे ऐसा टकरा जाएगा तो यहाँ पे ये इंसेक्ट चिपक जाएगा, तो कार जितनी वेलोसिटी से चल रही है उतनी वेलोसिटी से ही इंसेक्ट भी चलने लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में, जिधर कार जा रही है। अभी इंसेक्ट ऐसे आ रहा था, जैसे ही टकराएगा, अब क्योंकि इंसेक्ट कार पे टकरा गया ना, तो कार जितनी वेलोसिटी से जा रही थी उतनी ही तो वेलोसिटी हो जाएगी किसकी, इंसेक्ट की, यानी कि इंसेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 2 से कितनी हो गई 50, तो कितना चेंज इन वेलोसिटी आया, 50 माइनस 2, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितने का चेंज आया, 50 माइनस 2 का, 48 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। ठीक है, तो डेल्टा यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट। भाई आप खुद दिमाग लगाओ ना बच्चों, सुनो, जब टकरा जाएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखिए आप समझो, देखिए जब यहाँ पे ऐसे ये इंसेक्ट ऐसे चिपक गया, टकरा गया, इस पे स्टक हो गया, तो इंसेक्ट का मास तो अभी भी उतना रहेगा m1, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1, और ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जवाब जितनी कार की है कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड, सही है, करेक्ट। तो ये चीज़ हुई है, कार का मास अभी भी कितना होगा m2, और कार की वेलोसिटी हो जाएगी मान लो v2 टकराने के बाद। लेकिन एक बात बताएं, ये जो कार की वेलोसिटी हो जाएगी, आपको लग रहा है कार की वेलोसिटी में चेंज होगा, है ना, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, कार की वेलोसिटी में चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा कार की वेलोसिटी में, इंसेक्ट कार को ऐसा टक्कर मार रहा है तो इसकी वेलोसिटी में बहुत कम चेंज होगा, यानी कि कार की वेलोसिटी लगभग अभी भी कितनी रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करने जा रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी इसकी कैलकुलेशन, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, 50 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी अभी भी कार की कितनी रहेगी, 50 मीटर पर सेकेंड टकराने के बाद, करेक्ट। अच्छा, लेकिन आप यहाँ पे इंसेक्ट पे ध्यान दीजिए, इंसेक्ट की वेलोसिटी बच्चों पहले कितनी थी टकराने से पहले, 2 मीटर पर सेकेंड इधर, और अब कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड किधर, इधर, पहले इंसेक्ट इधर जा रहा था लेकिन अब कार पे चिपक गया, तो इंसेक्ट और कार दोनों इधर जाएंगे, जिधर कार जा रही थी उधर इंसेक्ट भी जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ, अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज चेक करें, किसका, इंसेक्ट का, तो कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पहले इंसेक्ट की वेलोसिटी 2 थी, अब कितनी हो गई 50, तो बताओ कितने का चेंज आया, 48 का आया, 50 माइनस 2, और ऑब्वियसली आप चेक करो ना भाई, पहले 2 से जा रहा था, अब कितनी हो गई उसकी वेलोसिटी, 50 हो गई, हालांकि डायरेक्शन भी चेंज हो गई, चेक करिए, पहले वो ऐसे जा रहा था, अब वो ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया, 48 का चेंज आ गया, ठीक है।
अब 50 से जा रहा है वो, ठीक है। बल्कि कार की वेलोसिटी में आप चेंज अगर चेक करोगे तो लगभग कितना चेंज आ रहा है, जीरो का। अब बच्चे बोलेंगे सर कार की वेलोसिटी में लगभग जीरो का चेंज आ रहा है, बहुत कम चेंज होगा। जब इंसेक्ट उस पर टकराएगा तो कार की वेलोसिटी में बहुत कम चेंज होगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। पर कुछ तो चेंज हुआ होगा, कुछ तो चेंज हुआ होगा। तो आप चेक करिए, मान लीजिए ये बहुत छोटा नंबर है तो इसमें से इसको घटाओगे तो बहुत छोटा सा चेंज आएगा, यानी कार की वेलोसिटी में बहुत छोटा सा चेंज आया लेकिन इंसेक्ट की वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आया। अब वेलोसिटी में अगर चेंज है तो मोमेंटम में भी चेंज ग्रेटर होगा, ऐसा किसने बोला, किरण ने बोला, लेकिन वो गलत बोल रही है, ऐसा नहीं होता। सुनिए, जब ये ऑब्जेक्ट इस पर टकराएगा, सुनिए ध्यान से, इसके जो इंसेक्ट है ठीक है ना, इंसेक्ट के मोमेंटम में एक चेंज आएगा और वो चेंज मोमेंट, वो इंसेक्ट के मोमेंटम में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंज किसके मोमेंटम में आएगा, कार के मोमेंटम में, करेक्ट। हुआ क्या एक्चुअल में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हुआ क्या, यहाँ देखिए कार का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा कम हुआ होगा, ऐसा समझो आप, ठीक है। कार का मोमेंटम थोड़ा सा कम हुआ होगा और इंसेक्ट का मोमेंटम बढ़ गया होगा, अरे इंसेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई ना, ठीक है, मास तो उतना ही है, तो इंसेक्ट ने क्या किया, मोमेंटम गेन किया, इंसेक्ट ने मोमेंटम क्या किया, गेन किया, और कार ने मोमेंटम क्या किया, लूज किया। लेकिन कार जितना मोमेंटम लूज करेगी उतना ही इंसेक्ट गेन करेगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो दोनों में कितने का चेंज हुआ, हम बोलेंगे भाई कार का मोमेंटम डिक्रीज किया तो इंसेक्ट का मोमेंटम इंक्रीज किया, क्या दिक्कत है बताइए। और कार का मोमेंटम जितना डिक्रीज हुआ होगा उतना ही इंसेक्ट का इंक्रीज हुआ होगा, सही है। अब इंसेक्ट में आपको थोड़ा सा इसलिए फील हो रहा है कि ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा, होगा ज्यादा नहीं, फील हो रहा है आपको, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ गई है। तो क्या हुआ, मास तो बहुत कम है, मास तो बहुत कम है। चेंज इन मोमेंटम के लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा बताइए, मास और वेलोसिटी में जो भी चेंज आया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकालें इंसेक्ट के लिए, डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो सोचो क्या होगा, मास इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। मास तो बहुत कम है ना इंसेक्ट का, इंसेक्ट 10 ग्राम का इंसेक्ट होगा, मास बहुत कम है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तभी तो जो प्रोडक्ट लगेगा, दोनों प्रोडक्ट एक एक्स आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक्स आएगा, बात समझो, ठीक है ना। और वो कौन, मतलब समझो, जितना मोमेंटम इंसेक्ट ने गेन किया है उतना ही मोमेंटम कार ने लॉस किया होगा, ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब कार के केस में क्या हो रहा होगा, ध्यान से चेक करो, इंसेक्ट का मास तो कम है, ठीक है, लेकिन इसकी चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन कार के केस में क्या हुआ होगा, कार के केस में चेंज इन मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी है। यहां पर क्या है, कार का मास क्या है आपका, एम टू है, यहां पर एम टू बहुत ज्यादा है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है। तो चेक करिए, ये वाला नंबर बहुत ज्यादा और ये वाला नंबर बहुत कम, तो जब इनका प्रोडक्ट लगेगा तो चेंज इन मोमेंटम उतना ही तो आएगा ना, यानी कि यहां पर मास को कॉम्पनसेट कौन कर रहा है, डेल्टा पी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा हो गया, मास कम हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट उतना ही आएगा। मान लो एक्स आ रहा है या मान लो डेल्टा पी आ रहा है, ठीक है, तो डेल्टा पी अगर यहां आ रहा है तो यहां पे भी डेल्टा पी आएगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम कार का भी कितना आएगा, डेल्टा पी आएगा। कैसे, अरे कार का मास तो ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम चेंज आया, कोई बात नहीं, पर मास तो बहुत ज्यादा है, तो मास उसको कॉम्पनसेट कर लेगा। मोटी मोटी भाषा में आप समझिए ये कि कार ने जितना मोमेंटम लूज किया होगा, कैसे, कार ने मोमेंटम दिया है, किसको दिया है, इंसेक्ट को, इंसेक्ट को मोमेंटम गेन हुआ है, सही है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये चीज है, जितना चेंज इन मोमेंटम कार में हुआ है उतना ही चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट में हुआ है, बस इंसेक्ट ने मोमेंटम गेन किया और कार ने लूज किया, मतलब कार का मोमेंटम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ होगा और इंसेक्ट का इंक्रीज हुआ होगा, सही है, ये चीज है। तो टकराने से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, टकराने से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही टकराने के बाद होगा, किसका, टोटल सिस्टम का, यानी कि कार का मोमेंटम प्लस इंसेक्ट का मोमेंटम टकराने से पहले इज इक्वल्स टू कार का मोमेंटम और प्लस इंसेक्ट का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो मोमेंटम में जो भी चेंज होगा वो इक्वल होगा, इसको आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हो। देखिए हम आपको कोशिश कराते हैं यहाँ पे प्रूफ करने की। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह का ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप समझो जरा, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो देखिए टकराने से पहले इंसेक्ट का मोमेंटम कितना है, m1u1, ठीक है, m1u1, और कार का मोमेंटम कितना है बताइए टकराने से पहले, m2u2, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, और टकराने के बाद मास m1 है इंसेक्ट का, वेलोसिटी कितनी हो गई v1, और प्लस कार का मास कितना है m2, और वेलोसिटी कितनी हो गई v2। अब हम वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं ले रहे क्योंकि आपको पता है पहले इंसेक्ट ऐसे आ रहा था, अब ऐसे जा रहा है, यानी कि u1 की डायरेक्शन इधर है और v1 की किधर है, इधर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं दिखा रहे, लेकिन आप ध्यान से चेक करो, अगर हम m1 v1 को लेफ्ट में भेज दें तो क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1, ठीक है, तो ये क्या आ गया, और इसको उधर भेज दो, ये इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2, करेक्ट, ये दिख रहा है आपको। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से चेक करिए कि ये क्या है और ये क्या है बताइए।
ये क्या है, एक काम करो यहाँ से माइनस और कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब आप माइनस कॉमन ले लोगे, ध्यान से चेक करो, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू। आप चेक करो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अरे भाई चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एम टू वी टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कार का फाइनल मोमेंटम क्या है, एम टू वी टू, फाइनल मतलब टकराने के बाद। इनिशियल मोमेंटम क्या है बताइए, एम टू यू टू। तो फाइनल मोमेंटम एम टू वी टू, इनिशियल मोमेंटम एम टू यू टू। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट, क्योंकि फाइनल मोमेंटम इंसेक्ट का कितना हो गया, एम वन वी वन, और इनिशियल मोमेंटम इंसेक्ट का कितना है, एम वन यू वन। ये देखिए फाइनल मोमेंटम एम वन वी वन, इनिशियल मोमेंटम एम वन यू वन। ठीक, तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं यहां साइन कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ध्यान से चेक करो इस माइनस साइन का क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए, माइनस और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है ना, माइनस डेल्टा पी फॉर इंसेक्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी फॉर कार। ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है, मतलब दोनों के चेंज इन मोमेंटम जो हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल हैं, यानी कि दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी, याद रखिएगा। तो किरण ने क्या बोला कि इंसेक्ट को ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम महसूस हुआ होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसने गलत बोला है। जी नहीं, देखिए मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया, जितना चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट में हुआ होगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम कार को भी महसूस हुआ होगा। ठीक है, हाँ माइनस यहाँ पे आ रहा है, माइनस साइन शोज व्हाट, दैट द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज आर जस्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, मतलब इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो कार का इधर होगा, करेक्ट। तो दोनों के चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। कोई डाउट है बताइए। और किरण ने क्या बोल दिया था बताइए, कि दोनों का चेंज इन, सॉरी इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम क्या है, ग्रेटर है, किससे, कार से। गलत बोला था किरण ने, ठीक है, तो किरण वॉज रॉन्ग। ओके, तो देखिए पहला आंसर हमने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमको बोला है लास्ट में कि भाई आप इसके ऊपर कमेंट करो, तो हमने इसका पहला आंसर बता दिया। किरण सजेशन दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार इज रॉन्ग। किरण का स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ से बच्चों आपको एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दो बॉडीज आ रही हो, एक का मास ज़्यादा हो और दूसरे का मास अगर कम हो, या किसी की वेलोसिटी ज़्यादा हो, जैसे कार की यहाँ पर वेलोसिटी भी ज़्यादा थी, मास भी ज़्यादा था, ठीक है ना, और इंसेक्ट की वेलोसिटी भी कम थी और इंसेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कम था, उसका मास भी कम था, करेक्ट। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आके जैसे ही टकराते हैं और छोटी वाली बॉडी बड़ी वाली बॉडी पे चिपक जाती है, स्टक हो जाती है, तो जितना चेंज इन मोमेंटम बड़ी वाली बॉडी में होगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम छोटी वाली बॉडी में हुआ होगा, करेक्ट। इस तरीके से बड़ी वाली बॉडी ने मोमेंटम दिया होगा किसको, छोटी वाली को, ऐसे। तो बड़ी वाली बॉडी ने, मतलब बड़ी वाली का है मतलब जिसका मास भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, यानी कि कार की बात कर रहे हैं हम, कार ने जितना मोमेंटम लूज़ किया होगा उतना ही मोमेंटम किसने, इंसेक्ट ने गेन किया होगा, ठीक है। तो दोनों में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, करेक्ट। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है किरण, हाँ किरण की बात तो होगी, अब अख्तर क्या कह रहा है, अख्तर की बात सुनो। अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विद अ लार्जर वेलॉसिटी, इट एग्जर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट। ओके, तो अख्तर ने बोला कि भाई जो मोटर कार थी वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही थी। हाँ भाई ये बात तो सही बोली उसने। ये देखिए हमने आपको बताया भी ना कि कार की वेलोसिटी कितनी, 50 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, इंसेक्ट की कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, तो कार तो बहुत हाई वेलोसिटी से आ रही, हाँ मना नहीं कर रहे, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो कह रहा है, क्या बोला इसने अख्तर ने, अख्तर सेड दैट द मोटर कार वॉज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी, इट एग्जर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, ठीक है ना। तो अख्तर ने बोला भाई कार बहुत हाई वेलोसिटी से आ रही थी तो वो इंसेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगा रही है, ऐसा अख्तर ने बोला, गलत बोला। ऐसा थोड़ी ना है कि जो बॉडी ऐसा हाई वेलोसिटी से आ रही है वो सामने वाले ऑब्जेक्ट पे, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं अख्तर कहना चाहते हैं जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका फोर्स ज़्यादा होगा, ना 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 ना। न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, कभी भी आपको ये नहीं पढ़ाया गया फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू वेलोसिटी, ना 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 ना, ये कभी नहीं पढ़ाया गया, बल्कि क्या पढ़ाया गया, फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ाया गया, आपको याद है। ये देखिए फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम वी माइनस यू बाई टी, ये पढ़ाया गया ना आपको। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू वेलोसिटी, ये किसने बोल दिया कि ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, गलत बोला अख्तर ने। तो सही बात क्या बताइए, सही बात बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको लगाना है। जैसे ही आके ये ऐसे टकराएंगे, ये देखिए ये कार है और ये इंसेक्ट है, जैसे ही ये टकराएगा, कार ने इंसेक्ट पे फोर्स लगाया, कितना जितना भी लगाया हो उतना ही इंसेक्ट किस पे लगाएगा, कार पे। या आप बोल सकते हो इंसेक्ट जैसे ही कार पे टकराएगा, इंसेक्ट ने किया एक्शन, इंसेक्ट ने कार पे फोर्स लगाया और कार ने भी इंसेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाया, याद रखिएगा।
एक्शन रिएक्शन लॉ यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो एक डायग्राम से बच्चों आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, जैसे ही ये इंसेक्ट यहाँ पर टकराएगा, ये इंसेक्ट जैसे ही टकराएगा तो समझिए जरा बात को। देखिए बच्चों, ये इंसेक्ट ने फोर्स लगाया कितना, एफ, किसके ऊपर, कार के ऊपर, तो कार भी कितना फोर्स लगाएगी इंसेक्ट पे, एफ फोर्स ही लगाएगी, लेकिन जस्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक, तो ये दो फोर्स लगेंगे, इंसेक्ट ने कार पे लगाया, कार की विंडशीट पे एक्शन, और विंडशीट ने इंसेक्ट पे लगाया, क्या हो गया, रिएक्शन। कोई डाउट है बताइए, तो ये चीज है, ओके, कोई डाउट है बताइए, ठीक है, सिंपल है, तो ये चीज है, ओके। अब देखो ये फोर्स कार के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं, विंडशीट नहीं टूटेगी उतने फोर्स से, अब वो जो भी फोर्स होगा, वो जो भी फोर्स है जो इंसेक्ट ने गलती से विंडशीट पे लगा दिया, बेचारे को नहीं पता था कि ये फोर्स हमें पलट के भी मिलेगा, सही है, इंसेक्ट ने लगाया जितना फोर्स, विंडशीट तो उससे नहीं टूटेगी, विंडशीट की मॉलिक्यूल्स बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे ही विंडशीट पलट के उतना फोर्स देगी, किसको, इंसेक्ट की बॉडी को, इंसेक्ट की बॉडी वहां पे चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी इतनी मजबूत नहीं है, बात समझिए, जैसे कि ये बोर्ड है बच्चों, ठीक है, इस बोर्ड पे हम ऐसा ऐसा मार रहे हैं, ये तो नहीं टूट रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई कागज़ वगैरह लें, उस पर ऐसे ऐसे फोर्स लगाएं तो कागज़ फट जाता है, यानी कि कागज़ के मॉलिक्यूल्स उतने टाइटली पैक नहीं है, 50 न्यूटन का फोर्स ये बोर्ड तो झेल गया, लेकिन 50 न्यूटन का फोर्स शायद एक पेपर ना झेल पाए, वो फट जाता है, सही है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा फील करिए कि इंसेक्ट क्यों मर गया, इंसेक्ट इसलिए मर गया, उसने फोर्स लगाया कार पे जितना, पलट के उतना ही इंसेक्ट को मिल गया एक्शन रिएक्शन लॉ से। अब कार का विंडशीट तो बहुत मजबूत है, वो तो उतने फोर्स को झेल गया, उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड बहुत मजबूत है ना, तो कोई भी बॉन्ड वहां पर नहीं टूटा, शीशा नहीं टूटा, बल्कि इंसेक्ट पे जब पलट के उतना ही फोर्स आया, तो इंसेक्ट के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी में, उसका जो फोर्स है आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उतने मजबूत नहीं है, तो वो उतने फोर्स से क्या हो गए, वो बॉन्ड टूट गए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच के, और वो मर गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों अख्तर ने भी गलत बोला, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, अख्तर सजेशन दैट द सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत बात है, ठीक है, जितना ही इंसेक्ट ने फोर्स लगाया होगा विंडशीट पे, विंडशीट ने भी उतना ही फोर्स लगाया होगा किसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर, इंसेक्ट क्यों मर गया ये हमने आपको बता दिया, ठीक है, वो झेल ही नहीं पाएगा इतना फोर्स ना। हो बच्चों आगे क्या बोला इन्होंने, अब राहुल एज अ रिजल्ट, ओके ठीक है, राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम, कॉमेंट ऑन दिस सिचुएशन। बच्चों सुनो, राहुल थोड़ा समझदार है, उसने दोनों की बात सुनी और एक नया एक्सप्लेनेशन दिया, उसने बोला बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम, ओके, मतलब समझो ना, राहुल कह रहा है कि इंसेक्ट पे लगने वाला फोर्स और मोटर कार पे लगने वाला फोर्स दोनों बराबर है, और दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, बराबर है। किसने बोला, राहुल ने, राहुल बिल्कुल सही बात बोल रहा है, हमने आपको बताया दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, इक्वल है, हाँ, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, करेक्ट, और दोनों पे लगने वाला फोर्स भी क्या है, इक्वल है, तो राहुल बिल्कुल सही था। ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट हमने लिखा है, राहुल्स एक्सप्लेनेशन दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड द सेम चेंज इन देयर मोमेंटम इज करेक्ट, ठीक है, बोथ एक्सपीरियंस द सेम फोर्स बिकॉज व्हाई, बिकॉज द एक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स किसने लगाया, मान लीजिए इंसेक्ट ने विंडशीट पे लगाया, बिकॉज द एक्शन फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स किसने लगाया, विंडशीट ने इंसेक्ट पे लगाया, बिकॉज द एक्शन फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, याद है आपको, एक फोर्स लगेगा विंडशीट पे एक्शन का, तो रिएक्शन का किस पे लगेगा, इंसेक्ट पे, करेक्ट, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं, ये आपको पता है, करेक्ट। नाउ मोर ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन देयर मोमेंटम इज ऑल्सो द सेम, बच्चों ध्यान दीजिए जरा यहां पर हमने क्या बोला है, मोर ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन देयर मोमेंटम इज ऑल्सो द सेम, सुनो, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन नहीं सेम है, बात समझो, देखिए हमने प्रूव भी कर दिया ना, ये देखिए डेल्टा पी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज ऑफ द रेट, चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट इज इक्वल टू चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कार, बट साइन कैसा आ गया था यहाँ, माइनस, यानी कि दोनों के मोमेंटम का चेंज जो हुआ है उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, कोई डाउट है, माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट। तो एग्जाम में इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है, ओके, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से आपको सीखने को क्या मिला है, इस क्वेश्चन से आपको सीखने को ये मिला है कि दो बॉडी ऐसे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आके ऐसे टकराती हैं तो दोनों में चेंज इन मोमेंटम सेम होगा और दोनों पे लगने वाले फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी, ठीक है।
वो बॉडी टूट फूट जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी या उसकी मृत्यु हो जाएगी कोई अगर इंसेक्ट वगैरह जो उतना फोर्स ना झेल पाए,